आदाब नाजरीन, मैं कृति वढ़ेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और इस्तेमाल करती हूँ आप सभी का इस सेशन के लिए। और आज का ये जो सेशन है ये रहेगा 10वीं जमात में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए। आपकी किताब का एक सबक है ज़ौक की गजल, जिस पर आज हम बात करेंगे। और इस बात को, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं तारुफ कराना चाहूंगी प्रोफेसर मोहम्मदीन साहब का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस एनसीईआरटी में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आज के इस सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आदाब, बच्चों आदाब, आपका भी जी। आज की इस बातचीत को हम शुरू करें। दर्शकों, उससे पहले आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें इस बीच में तो हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं। नंबर रहेगा 8800044559। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग आप हमारे एनसीईआरटी के ऑफिशियल चैनल पर देखें, जिसका नाम है एनसीईआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। एक और जरिया है आप जिसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप अपने सभी सवालों को हमें मेल करें dth.class10@ciet.nic.in। तो चलिए, वक्त हो चला है आज के इस सत्र को शुरू करने का। एक बार फिर से इस्तेमाल करूंगी आपका प्रोफेसर मोहम्मदीन साहब। यूं तो ज़ौक की गजल के बारे में हम बात करेंगे, पर गजल एक ऐसी चीज है जिससे हम कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी रूबरू होते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। पर आपसे लिटरली मायनों में जानना चाहूंगी कि गजल का जब हम एक लिटरली फॉर्म में बात करते हैं, कैसे लिखी जाती है, क्या मायने होते हैं, क्या कोई खास तरीका है गजल लिखने का, थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कृति जी। ये जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लिटरेचर हो, किसी भी जबान का, वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है। तो हम अगर उर्दू में बात करें तो प्रोज को हम नस्र कहते हैं और पोएट्री को शायरी कहते हैं। तो हर एक के दोनों के बहुत बड़े सारे लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं। इसी तरह शेरी असनाब, जिसको शायरी की जो सिंफ होती है उसमें गजल एक बहुत ही जानदार और बहुत तवाना सिंफ है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी असनाब हमारी जो उस तरह नहीं कही जाती हैं, जिस तरह जैसे कसीदा है, मसनवी है, मरसिया वगैरह है, जो और भी, लेकिन गजल एक ऐसी तवाना और जानदार सिंफ है कि आज कोई भी शायर इससे जो है फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अगर कोई भी शायर शायरी शुरू करता है तो सबसे पहले गजल की तरफ ही उसका ध्यान जाता है। गजल को जैसा कि हम जानते हैं, जरा आगे बढ़ाइए इसको आगे बढ़ाइए जरा, या नेक्स्ट करिए, आगे बढ़ाइए इसको और आगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टेक्निकल टीम और आगे। हाँ बस यार, नहीं और पीछे, एक पीछे जी, बस ठीक है, और एक स्लाइड पीछे जाइए, पीछे नेक्स्ट, अरे पीछे आइए। चलिए, जैसा कि हमने कहा कि गजल एक बहुत जानदार और तवाना सिंफ सुखन है और इसमें कोई भी शायर इससे आजाद नहीं है। जो भी शायरी शुरू करता है वो सबसे पहले गजल की तरफ ही मायल होता है। गजल के यूं तो लघवी माने अगर हम देखें तो एक जो शुरू से चला आ रहा है, चाहे वो अरब में रहा हो या खासतौर से पर्शियन शायरी में, ईरान में जो हुआ, तो वो उसमें जो है गजल एक लघवी माने है कि औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हुस्न इश्क की बातें ज्यादा रह पा गई शुरू शुरू में, आज भी ये इसका एक अहम मौजू है। लेकिन अगर गजल के मौजूदात को हम देखें तो आप दुनिया का ऐसा कोई मौजू नहीं है जो गजल में नहीं समझा जा सके या गजल में उसको नज्म ना किया जा सके। तो गजल की एक ऐसी सारी दुनिया का कोई भी मौजू है और सिर्फ दो शहर में, दो मिसरों में हम या एक शहर में हम अपनी बात पूरी अदा कर सकते हैं। यानी जानिसार अख्तर ने कहा है कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन है, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो जैसा कि गजल पे आपने कहा कि ये क्या है, कैसे लिखी जाती है, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी बात को कहने के लिए एक तो उसका मवाद होता है यानी उसका मैटर होता है, दूसरा उसका तरीकाकार होता है। यानी मैटर जो होता है ये उसके क्या मवाद होता है, ये कैसे पेश किया जाए और क्या पेश किया जाए, जो कुछ है क्या जो उसके मौजू से ताल्लुक रखता है और कैसे जो है ये उसके फार्म से ताल्लुक रखता है। एक फार्म, हर एक शायरी की कोई ना कोई एक सिंफ होती है और उसकी एक शक्ल होती है, एक हयत होती है।
तो जब हम गजल की हैसियत पे बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला का मतलब ये होता है जहां से गजल शुरू होती है तुलू होती है। तो गजल शुरू होने का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। और मतला के लिए जो शर्त है कि इसमें काफिया भी होता है और अदीब भी होती है। तो हर रदीफ और काफिये के साथ साथ चलती है गजल का पहला शेर या पहला मतला है कि दोनों मिसरों में काफिया भी होगा और रदीफ भी होगी, लेकिन बाद के अशआर में जो आएंगे उसमें सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया होगा और रदीफ नहीं होगी। इसी तरह जो है गजल का कोई भी शेर जो है मुकम्मल होता है आपस में, किसी एक दूसरे से हम इसको जोड़कर नहीं दे सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि गजल का हर शेर एक इंफरादी हैसियत रखता है और गजल के दो मिसरों में या एक शेर में शायर अपनी पूरी बात कह देता है। इसके बाद अगर कोई मतला आता है तो उसको हुस्न मतला या जेब मतला कहते हैं या मतला सानी भी कहते हैं। रदीफ का मतलब ये होता है कि सवारी के पीछे किसी सवार के पीछे बैठने वाले शख्स को रदीफ कहते हैं। अगर लोगवी माने में भी इसको देखा तो रदीफ का मतलब जो है कि गजल के कसीदे के अशआर में काफिये के बाद बार बार आने वाले लफ्ज को हम रदीफ कहते हैं। रदीफ में अल्फाज तब्दील नहीं होते, बल्कि पहले शेर में जो लफ्ज या अल्फाज आए हैं वही जो आखिरी शेर के आखिरी मिसरे तक या आखिरी शेर तक वही रदीफ इस्तेमाल होती है। रदीफ जो है एक लफ्ज की भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा लफ्जों के भी हो सकती है और कभी कभी पूरा एक जुमला भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें मोमिन खां मोमिन की एक बहुत मशहूर गजल है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो ये पूरा एक जुमला जो है ये उसकी रदीफ है। वो जो हम में तुम्हें करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना वही याद वही आनी वाद आनी बाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो तुम्हें याद हो कि ना याद, ये तकरार जो है शेर में होती है और इसी तकरार से उस गजल में एक कैफियत पैदा होती है, खूबसूरती पैदा होती है। तो इसी तरह जो है हम देखते हैं जैसा कि आपके सामने गजल है जौक की, लाई हयात आए कजा ले चली चले। तो यहाँ पे देखिए जो है चली खुशी जो उसके सामने लिख दिया है, काफिया के अलग करके लिख दिया गया है और रदीफ को अलग करके लिख दिया। तो इसमें काफिया जो है चली खुशी लगी बुरी अभी तो वगैरह वगैरह, इसमें ये अल्फाज जो है या काफिया है या दानिश्वरी या अभी जो भी इसमें जो है वो काफिया है, काफिया के साथ। और इसमें सिर्फ एक लफ्ज जो है वो रदीफ यानी चले। तो इसमें गजल में जैसा कि हमने कहा मतला भी है, उसके बाद मक्ता पर आखिरी शेर जो है मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कलमी नाम पेश करता है, तो उसको उस शेर को मक्ता कहते हैं। यानी मक्ता का एक मतलब ये भी होता है कि अब शायर ये गजल यहाँ पर खत्म हो रही है, कता हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसको मक्ता कहते हैं। तो गजल को फन को समझने के लिए है, क्योंकि इसमें काफिया भी होता है, काफिया को समझने के लिए जैसे उसमें हम वजन हो जरूरी नहीं है, हम आवाज हो जैसे चली है वरी है कभी है, और जैसे हम गुल और दिल दोनों लफ्ज हम वजन है लेकिन गुल और दिल का आपस में काफिया नहीं है, लेकिन अगर हम गुल को गिल पढ़े तो ये दिल का काफिया हो जाएगा। तो ये एक लंबी बहस है, इसको हम किस फिर किसी वक्त बात की जा सकती है। वैसे इसके पहले दो प्रोग्राम जो है गजल के फन पे और गजल के मौजूदात पे पेश किए जा चुके हैं, तो वो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल पे मौजूद भी हैं, वहां से जो है इसकी मदद ली जा सकती है गजल के फन को समझने के लिए, गजल के मौजूदात को समझने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये भी देखना चाहते हैं कि शायर जिसने इस गजल को कहा है यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम उनका पूरा नाम था, इसको जरा पीछे आइए जो है स्लाइड को और पीछे कीजिए जरा। और पीछे जी, तो आप देखिए यहाँ पे जौक का तारुफ दिया गया है। जौक की पैदाइश 1788 में दिल्ली में हुई और वफात इनकी 1854 दिल्ली में ही रही हुई, यानी इनका पूरा जमाना दिल्ली में गुजरा। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था और कलमी नाम यानी तखल्लुस इनका जौक था। इब्तदाई तालीम एक मकतब से शुरू हुई है, इनके उस्ताद गुलाम रसूल शौक थे और शौक बहुत एक अच्छे शायर भी थे, उन्हीं की शागिर्दी में रहकर उस्तादी में रहकर शागिर्दी में रहकर उन्होंने भी शायरी शुरू कर दी। उसके बाद शुरू की जौक को भी बचपन से शेरगोई का शौक पैदा हो गया,
बाद में मदरसे में और दाखिल किए, वो मदरसा अब्दुल रज्जाक का था, वहां उनकी मुलाकात मौलाना मोहम्मद बाकर से हुई। मौलाना मोहम्मद बाकर उर्दू सहाफत का एक बहुत मोतबर नाम है जिनसे उर्दू सहाफत का आगाज होता है। वहां इसलाह इन्होंने शाह नसीर सली शाह नसीर वहां भी थे और उनके शायरी में उन्होंने उस्ताद माना और उनसे अपने कलाम दिखाने लगे, उनसे अपना कलाम सही कराने लगे, इसलाह लेने लगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो और फिर शाह नसीर का बहुत अच्छा दबदबा था, रौब था, जो पढ़े लिखे आलिम थे, वो जाहिर सी बात है कि उनके ताल्लुकात लाल किले से भी थे। उसद बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी तो लाल उनके शाह नसीर के तवस्सुफ से उनके जरिए से बहादुर शाह जफर के किले में उनका दाखिला हुआ, वहां गए और वहां बहादुर शाह जफर के से भी मुलाकात हुई, उनके उस्ताद भी रहे और जौक को कसीदा पेश करने पर मलकुश शोरा का खिताब मिला। जब बहादुर शाह जफर जो बादशाह हुए उस वक्त बहादुर शाह जफर को शान में जौक ने कसीदा लिखा, उस कसीदे की लिखने पे इनको मलकुश शोरा का खिताब हुआ, यानी शायरों के बादशाह। इसी तरह कसीदा गोई में भी इनको बहुत महारत थी, वैसे गजलें भी कही उन्होंने काफी, लेकिन कसीदा गोई में सौदा के बाद इनका बड़ा नाम है और उसकी वजह से इनको खाकानी हिंद का खिताब मिला। खाकानी फारसी जबान का एक बहुत बड़ा शायर था और कसीदे का माहिर था जो है, तो हिंदुस्तान में अगर किसी ने उसकी हमसरी की है तो वो जौक थे। जौक को अरबी फारसी और दीगर मशरकी उलूम के पे अबूर हासिल था, उसके माहिर थे और ही बहुत ही बिलनसार बामुरबत इंसान थे और उनको ज्यादातर शोहरत उनको कसीदे की वजह से मिली, लेकिन उनके गजलों में भी आम तौर पे इंसानी रम्ज, इंसानी जज्बात और ख्यालात और एहसास की तर्जमानी और दुनिया की बेसबाती का बहुत अच्छा जिक्र हुआ है। जी आगे आइए, चलिए और आगे और आगे और जी बस ठीक है। अब देखिए ये गजल यहाँ से शुरू हो रही कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। किसी भी गजल को या फनपारे को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसकी सही कैरत कर सकें। तो सबसे पहले जो उस्ताद क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं उनको जो है उसको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, ताकि अगर हमने सही कैरत कर दी तो सही तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसका पहला शेर यानी मतला देखिए कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। यानी दुनिया में जो भी आता है उसके आने का अपना कोई उस पर जबर नहीं होता, कोई अख्तियार नहीं होता, बल्कि वो किसी तरह दुनिया में आता है तो वो अपनी खुशी से ना आता है ना अपनी खुशी से जाता है, बल्कि जब उसको जिंदगी लाती है तो वो आ जाता है। दुनिया में आने के बाद उसको पता चलता है कि हम भी खुश है, हमारा भी कोई वजूद है। और इसी तरह जब दुनिया से हम जाते हैं तो हमारी अपनी उस पर खुशी नहीं होती, बल्कि कजा जब मौत आती है तो वो खुद लेके हमको लेके चली जाती है। आजकल देखिए कोविड-19 का जमाना है और जिस तरह से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है, उस पस मंजर में ही इस शेर को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। यानी यहाँ कोई अख्तियार नहीं, इंसान जो है महज जब रहे उसको है और किसी चीज पे उसको अपने कुल्ली अख्तियार नहीं, ना तो उसके अपनी जिंदगी पे अख्तियार है ना तो उसको अपने मौत पे अख्तियार है, बल्कि ये सारा अख्तियार सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वही दुनिया में भेजता है और वही जब चाहता है हमें वापस बुला लेता है। तो पहले मतलब में देखिए कि चली और खुशी यह काफिया हो गया, और चले जो लाल से लिखा हुआ जो हर लफ्ज है यह रदीफ है, ये रदीफ शुरू से आखिर तक जो है ये रदीफ मिलेगी, लेकिन काफिया जो है वो हर शेर में आपको अलग अलग मिलेगा। आइए अब दूसरे शेर को देखते हैं। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। अब इस शेर में देखिए एक लफ्जों का खास इस्तेमाल हुआ है, पहले मिसरे में दिल लगे और दूसरे मिसरे में दिल लगी, यानी दिल लगी और दिल लगी से। तो बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, हम बहुत चाहते हैं कि दुनिया तो खत्म होने वाली हो, यहाँ हमारा दिल ना लगे, लेकिन क्या करें यानी पर क्या करें, यानी हम मजबूर हैं ये दिल लगाने को, हम मजबूर हैं, जिंदगी से हमारी कुछ जरूरतें वाबस्ता है। जब हम दुनिया में आ गए हैं तो यहाँ जिंदा रहने के लिए, अपने आप को बरकरार रखने के लिए दुनियावी जरूरतें भी हैं, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दुनिया से दिल लगाना पड़ेगा। तो शायर ने इसी तरफ इशारा किया है, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से लगे, यानी इससे अच्छी क्या बात है कि हम दुनिया से दिल ना लगाएं, लेकिन आदमी मजबूर है, महज है, वो मजबूर है
बगैर दिल लगे के काम नहीं चलेगा, दुनिया से किसी ना किसी तरह अपने आप को जिंदा रहने के लिए दिल लगाना ही पड़ेगा। अगले शेर में शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, यहाँ दो लफ्ज मुश्किल आए, पहले बिस्तरे में बेबिसात है या किमार यानी बदकिमार, कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चले। बिसात कहते हैं चौसर या शतरंज का वो कपड़ा या तबका जिसको बिछाकर हम चौसर या शतरंज खेलते हैं। तो इसी तरह शायर कहता है कि ये दुनिया की हैसियत क्या है जो एक चौसर या शतरंज के खेल की तरह है, और हम जैसे जो उसमें जुआड़ी हैं या जुआरी हैं या जो खेलने वाले हैं बाजी लगाते हैं वो बहुत बुरे हैं। यानी हम दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि हम दूसरों को धोखा देते रहें, फरेब देते रहें, उसको अपनी जरूरतों के तहत हम फायदा उठाने के लिए उसको किसी हद तक जो है नीचा दिखाएं, उससे फायदा उठाएं उसकी मजबूरी का। तो शायद ने इसी बात की इस तरह इशारा किया है कि कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, यानी दुनिया में तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, ज्यादातर अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे जैसे भी कम वैसे लोग भी हैं जो कि वो दूसरों अपनी चाल से दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चली, यानी हमें कोई चाल अच्छी नहीं चली, हमारी हर चाल खराब रही, और हम जो है ये चाहते थे किसी तरह हम इस दुनिया की बिसात पे हमेशा बाजी जीतते रहे और दूसरों को धोखा देते रहे। जाहिर सी बात है जब शतरंज या चौसर खेला जाता है, जो कोई भी खेल खेला जाता है, तो उसमें जय टीम की एक यही कोशिश होती है कि हम जीते और दूसरा हारे। तो इसमें जो हार जीत का जो है तो उसमें इंसान की कहीं ना कहीं बदनीयती भी शामिल होती है, उस बदनीयती से हम दूसरों को धोखा देने फरेब देने की कोशिश करते रहते हैं। अगला शेर देखिए कि हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। हो उम्र खिज्र यानी खिज्र अलैहिस्सलाम की उम्र, खिज्र अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी थे और वो कहते हैं कि जब से वो पैदा हुई जब तक दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक वो रहेंगे, उन्होंने आबे हयात दिया है यानी उनकी उम्र बहुत लंबी है, और उनकी उम्र बहुत लंबी है, वो भोले भटकों को रास्ता भी दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, अगर कोई रास्ता भूल गया है अपने रास्ते टक गया है मंजिल उसको नहीं मिल रही तो उसको रास्ता भी दिखाते हैं। तो इस शेर में तलमी है, यानी तलमी उस सनत को कहते हैं जिसमें शायर किसी तारीखी वाक्य को नज्म करता है। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर, इंसान की कोशिश यही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी लंबी उम्र हो, ज्यादा से ज्यादा वो जिए, और लेकिन जब उस पर मौत आती है तो भी वो अफसोस करता है कि हम इस दुनिया से क्यों जा रहे हैं, अभी तो अभी हमारी ख्वाहिशें पूरी कहा हुई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यानी दुनिया से उसकी ऐसी लालची जरूरत वाबस्ता होती है, उसमें इतना लगाव हो जाता है, इतना दिल लग जाता है कि वो दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं होता। गरचे उसको एक बहुत लंबी उम्र वो जी चुका है, इसके बावजूद मरने के वक्त बवक्त मर यानी मौत के वक्त यही कहता है कि हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले, ऐसा लगता है कि अभी कल आए थे और आज जा रहे हैं। यानी ज्यादातर इंसान की लालच जो है वो बहुत बड़ी हुई है और दुनिया से दिल लगाने के लिए वो बेताब रहता है कि यहाँ से हमें जाना ना पड़े। जी अगली स्लाइड नेक्स्ट। अगला शेर देखिए कि नाजा ना हो खैरत पे जो होना है हो वही, नाजा कहते हैं फख्र करने वाले को, नाज करने वाले को, खैरत कहते हैं अक्ल को। नाजा ना हो खैरत पे जो होना है हो वही, यानी कहते हैं कि अपनी आप अक्ल पे नाज मत कीजिए, फख्र मत कीजिए, इसलिए कि दुनिया में हमारा कोई अख्तियार नहीं है, बल्कि हम बंदे मजबूर हैं, जबरिया का फलसफा हम पर लागू होता है, हम कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि जो होना है जो अल्लाह ताला चाहेगा जो भगवान चाहेगा वही होगा। तो नाजा ना हो खैरत पे जो होना है हो वही, यानी हमारा इसमें कोई अख्तियार नहीं है, हमारी अक्ल पे कोई अख्तियार नहीं है, जो होना होगा कुदरत की तरफ से वो होके रहेगा। तो उस अगले मिसरे में शायर कहता है कि दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश परी चले, हम हमारी जो अक्ल है वो हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि ना तो इसमें कोई हमारी अक्ल चलती है ना तो कुछ आपकी अक्ल चलती है। दानिश्वरी कहते हैं कोई फलसफी को, जो कहते हैं दानिश्वर को फलसफी को, यानी अक्ल की बातें करने वाला, अक्ल की बातें। अगला शेर देखिए कि दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, इस दुनिया में हर आदमी नफसी नफसी में मुब्तला है, अपने आप का फायदा देखता है, अपने आप को मग्न रहता है, मस्त रहता है, और कोई भी किसी का साथ नहीं देता। जब कोई जाने वाला होता है तो उसको फना के राह में, राह फना माने फना की राह में, खत्म होने की राह में, वो दुनिया किसी का साथ नहीं दे सकती, यानी जिसको जाना है वो चला जाता है और दुनिया उसको रोक नहीं सकती।
दुनिया ने किसी का राह फना में, दुनिया ने किस में, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, कहते हैं दुनिया ने किसी का राह फना में साथ नहीं दिया है, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चले चले। यानी तुम भी से मुराद वह है कि शायर किसी मुसब जिससे मुखातिब है, इंसान से मुखातिब है, अवाम से मुखातिब है, यानी तुम भी यहाँ पे अपने उसी हिसाब से चलते रहो जब तक कि जान में जान है तो जहान है, सांस है तो आसन, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक सांस आ रही है, तुम भी अपना कारोबार करते रहो, जिस दिन ये सांस रुक जाएगी कारोबार खत्म हो जाएगा। तो शायर ने इसी बात की तरफ इशारा किया है, दुनिया किसी का राय फना में साथ नहीं देती, बल्कि हर आदमी अपनी मर्जी से जहां तक जब तक उसको सांस है उसको आस रहती है और वो चलता रहता है, और जब उसकी सांस खत्म हो जाती है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको कहा कि दुनिया ने किसका राह फना में दिया है, साथ किसी का नहीं दिया है, तुम भी चले चलो यूं ही, तुम भी इसी तरह चलते रहो जब तक चली चले, और जब तक ये चल रही है जिंदगी चल रही है, जब तक सांस चल रही है, सांस के आने जाने का सिलसिला जारी है, तब तक आप भी चलते रहिए। आखिरी शेर में देखिए यहाँ पर मक्ता है, मक्का जैसा कि हमने पहले इशारा किया कि उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है, उस कलमी नाम को तखल्लुस कहते हैं, और उस कलमी नाम के ऊपर एक छोटा सा निशान लगा देते हैं जिसको बद कहते हैं। अगर आप देखिए जहां जौक लिखा हुआ है, जौक के ऊपर एक हल्के से निशान लगा हुआ है, इस निशान को बद कहते हैं, यानी बराए तखल्लुस। तो जाते हवाए शौक में है इस चमन से जौक, ये चमन तो कहते हैं वैसे बाप को गुलिस्ता को, लेकिन यहाँ चमन से मुराद पूरी दुनिया है, यानी अब जो है इस चमन से इस दुनिया से ऐ ज़ौक, हम हवाए शौक में है, जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक, अपने खुदों ख्वाहिशों को लेकर, जैसे कि मिर्जा गालिब ने कहा था कि हर ख्वाहिश की हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, तो आखिर वक्त तक उसकी ख्वाहिश बढ़ती रहती है, इजाफा होता रहता, खत्म नहीं होती। तो शायद ने यहाँ पर इसी बात की तरफ इशारा किया है कि जाते हवाए शौक में इस चमन से शौक, यानी ख्वाहिश को लेकर हम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, यहाँ चमन से मुराद दुनिया है, एक ख्वाहिशों का एक अंबार लेकर, एक उसके कसीर ख्वाहिशों को लेकर हम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, इस चमन से रुखसत हो रहे हैं, अपनी बला से बाद सबा आप कभी चले। तो बात कहते हैं हवा को, बाद सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा, यानी पुरवाई जो होती है उसको हम बाद सबा कहते हैं। तो कहते हैं कि अब अपनी बला से बाद सबा आप कभी चले, अब दुनिया में कुछ भी कितना भी अच्छा मौसम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो हम दुनिया से हमारे रुखसत होने का वक्त आ गया है, अब दुनिया अच्छी हो जाए बुरी हो जाए कैसा है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी जिंदगी जी लिए और अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को जो नहीं पूरी उनको भी लेकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ये एक प्रोफेसर साहब, इसी के साथ हम बिल्कुल आखिरी घड़ी में आ चुके हैं, आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगी आपसे आप अपनी बात को खत्म करें, कंक्लूड करें। अच्छा जी, नहीं तो ठीक है, गजल भी पूरी हो गई, जाहिर सी बात है कि थोड़ा उधर निकल गया जो है, तो जरा गजल के फन पे हमको ज्यादा बात करनी थी, लेकिन तालिब इल्मों से हम यही गुजारिश करेंगे कि गजल एक बहुत ही ये बहुत ऐसा ये दरिया है, इसमें जितना भी आप कह रहे हैं वो उतना ही आपको अच्छा लगेगा, और गजल मुख्तलिफ शायरों की गजलों को आप पढ़िए, बड़े बड़े शायरों के नाम जैसे मीर है, सौदा है, गालिब है, इकबाल है, या फैज़ अहमद फैज़ वगैरह, तो गजल जब से शुरू हुई है आज तक उसका सिलसिला जारी है और ये खत्म नहीं हुई है, अपनी बात कहने का किस तरह से कही जाए, दो लफ्ज़ दो मिसरों में बात को कहने का फन जो है वो गजल कहलाता है। जानिसार अख्तर ने कहा है, जैसा कि तुमने पहले भी शेर पढ़ा था, कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई याद छुपा दी जाए, तो यहाँ दरिया को कोजे में बंद करने का हुनर होता है, कि शायर बड़ी से बड़ी बात को दो मिसरों में कह देता है, चंद लफ्जों में कह देता है, जो बात हम बड़ी बड़ी तकरीर में नहीं कह पाते, समझा नहीं पाते, वह एक दो मिसरों में बात हम अपने नाज़रीन को, शायर अपने नाज़रीन को, अवाम को समझा देता है। गजल की यही बड़ी खूबी है, गजल की यही बड़ी कशिश है। वैसे तो और भी असनाब है शायरी की, उनको भी पढ़िए, लेकिन गजल से जब आप पढ़ना शुरू करें तो आपका रिश्ता रिश्ता हमेशा उस्तवार रहेगा गजल से। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाजरीन, आपको जो आज बताया गया है आपको वो सब ध्यान रखना है, गजल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, बहुत जरूरी है दसवीं जमात के बच्चों के लिए इन सब बारीकियों को जबान की जानना और समझना। प्रोफेसर मौजूदीन साहब, आज इस सेशन के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ।
चलिए, आपका भी शुक्रिया बच्चों, आपका भी शुक्रिया, आदाब। और आप कहीं ना जाएं, पीएमई विद्या के साथ बने रहें, देखते रहें एनसीईआरटी का रिसोर्स मटेरियल। अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी, नमस्कार।